महफिल पाक अजमत शान अहले बैत है, अजमत सहाबा बा जो इनकार पाई रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्त मुखलिस जितने भी कुर्बो जवाब जवानों में सी तो आए हो, सारा दिन मेहनत का मजदूरियां करने वाले पे नहीं, जड़े काम काज करने वाले में सरकार का प्यार बैठ के तमाम अहबाब शरीफ फरमान इमाम मोहम्मद सुल्तान कलंदरी जलाली साहब आपकी तशरीफ फरमान बारा में मोहम्मद शेर जलाल साहब आपकी तशरीफ फरमान है और जनाब भाई साहब मेरे बहुत ही मुस्लिम और बड़े भागना भी खराब होकर फरमाने में खिलाफा इन्होंने असंख्य बड़े फरमाए फरमाए खिलाफा पे अली सादिक साहब जनाब भाई अशोक हुसैन अंजन साहब तो जितने भी अहबाब और आसफ भाई शाम नाशबंदी मेरा दिल है ये शर्गेश्वरी भाई चंबल जितने मोहम्मद अली अहबाब सारे बेली आए हो सारिया ना मैं दिल में नाम था तेरा ना रुको शाम भी करना इस वास्ते को शाम भी करना कि तुसा मेरे नाजुबान नबी मैं फले चाहे तो बस क्यों कि जब तक बिके ना थे कोई कुछ का ना था आका आपने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। जनाब हाजी अब्दुल अमीर साहब इस आते भी अहबाब ने बलूचिस्तान साहब के साहब भी ने मोहब्बत वाले भी ने सारे अहबाब अल्लाह तआला की बरकत अता फरमाए बच्चा जड़ा आका दे बुलामा दिया सना खाना दिया खुतबात में रुकावटा करके सरकार के नौकरियां तक पहुंचाता है अल्लाह पाक इस बेटे के गुजर की बरकत और रहमत अता फरमाए। जितने अहबाब बैठे हुए जो कुरान जना पाए आप मुशबंदी साहब के साथ ही सिर्फ चंद गल अर्ज कर क्योंकि सारे बेली आए सन साढ़े को प्यार ना सुनना चाहिए ना जरा कोई चल के आवे उनके नाल प्यार करना चाहिए आखिर मेरा मतलब है फरमाते थे जो कि मैं की रंग ना देवे की ओना लाना आना जिथे गया लेना उधर ना हो की उठे जाना जाना तो जब बेली भाई पापे साहब चल के आवे तो आप उनके नाल प्यार करना चाहिए क्योंकि सानू एक भी सबक आपका की आल नहीं है जड़े यार की महफिल का अनुमान है अजमत आले नबी और शान सहाबा तो असीले का बला इमाम जैनुल आबिदीन रजी अल्लाह तआला अन्हु आप बैठे हुए थे अपने मसनद पे एक बंदा आया आया आपने उन्हें शरबत पिलाया आया उनकी सवारी को उन्हें पानी पिला रहा है तो वो बंदा आप देखो बैठा है कहता जनाब मेनू काम नहीं आपने आपने सर पे बिठाया शाम का वक्त रहे फिर बंदा आ गया आपने जाकर के आपने कहा दिता दूसरा दिन आया फिर इसे तरह ने क्या कोई काम नहीं आपने चला गया शाम का वक्त आया फिर जनाब आपने पत्थर पे ते बाद में जब तो तीसरा दिन आया तो कहता लगता तुसा मेनू पहचाने होया हुजूर जी आल का जिक्र किया जिक्र है ना उन्हें क्या लगता है तुसा मेनू पहचाने कोई नहीं तो जे इतनी सेवा सेवा करके मारना सी तो पर पहले मार देना सी और सेवा ही किसने करनी तो हजरत इमाम साहब ना बिगिन आपने फरमाया मैं तेनु सुना है पहचान लिया जानना मैं मते आपने फरमाया तो आले माने मत मत दा खून नाल अपने हथां नु रंगी रंगी दा मैदान करबला में जो जुलम था या सब उन्होंने भी पूरी शामिल था लेकिन उस वक्त असी तुहाडे मेहमान सा अज तू मेरा मेहमान बन गया अज तू मेरा मेहमान बन के आया इस वास्ते जो तुहानू मिलिया सी विरासत अज तू कीता जो सानू विरासत च मिलिया उह सानू दिखा भीख दे और मंगते को कहीं देना बता दा आले मोहम्मद के अंदाज से हो रहा है ना तो आका ने सलात और सलाम के प्यारे गुलाम सरदार की आल याद बिना एक दो गला और कर के और हुजूर के सहाबा ने अपना गुलाम और कर के फिर सलाम पढ़ा इंशाल्लाह दुआ करा के और एक जामिया शेर रबानी के अंदर मेरे जितने दोस्तों दिया जितना दिया खुश और ताशा मां बाप की दुआमा और सारिया के अंदर शामिल हाल ले और सुबह कयामत तक के खुदा का दौरान पढ़ा जाएगा तो इंशाल्लाह अपना बाप वास्ते दुआमा का एक जरिया या जारी करेगा जिसके अंदर गया खुश और ताशा जनाब भाई फखर कराया था अंदर के ये जनाब मौसम के अंदर मेरे नाल सफर करते रहे कभी किधर जनाब सदीक पारक पारक कभी जनाब वो खान कौन कभी जगह के सी तलाश करते रहे लेकिन अल्लाह को मंजूर है सी के एक जगह पे कुरान पढ़ा जाना भाई शौकत है जमीन
जिन्हों के दोस्त सन शकीर सन उन्होंने मुहब्बत फरमाई सुनो कयामत तक उत्ते कुरान पढ़िया जाएगा जिन्हों जिन्हों दोहां दियां मुहब्बत शामिल ने अल्लाह उन्होंने सवाब अता करता रहे क्योंकि बंदा कोई देखे ना देखे वो मालिक कायनात है देख रहे अल्लाह अपने बंदियां दी गल कीतियां और उन्हों का कुदूस और उन्हों दियां मुहब्बत जड़िया शामिल हाल रही जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर मैं एक आयत मुबारक पढ़ी है खालिक कायनात ने फरमाया मोमिनो मैं तुम्हारे को एहसान कीता कि मैं अपना नबी तुम्हें अता फरमाया मैं तुम्हारे को एहसान कीता कि मैं अपना नबी नबी तुम्हें अता फरमाया मैं अपना नबी तुम्हें अता फरमाया एहसान किना के होया मोमिना होते होया दूजा बंदा तेनू मट के बड़ा बैठा रहता है इतना पैसा कितो आ गया गड्डिया जायदाद मुकाम के महला आ गया काश बंद मुशक्कत आपकी फरमाते हैं गलियां में